ऐसे स्टॉप होना सीखा है और ऐसे बिल्कुल स्टॉप होना सीखा है, तभी तभी मैंने ये सब कर पाई। इनकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली। कैसे मतलब स्टॉप होना, ऐसे मतलब अपने आप को टाइट करना, ऐसे होगी बिल्कुल अपने आप को टाइट रखो, मुंह अपना कटी बंद कर लो और जितना भी दर्द हो सिर्फ आंसू निकाल, अपना मुंह कभी खोला मत, ऐसे रह दो, आंसू निकले निकलने देना। आज हम जा रहे हैं बाजार। जब मैं स्कूल से आई तो पापा मुझे लेने आए थे और अब अभी हम हाईवे रास्ते में पहुंच ही गई हैं और पापा पहुंची अच्छी लगेगी। फिर इतने बड़े बड़े झुमके लटक जाएंगे भैया, ये देखो है ना, अब कितने बड़े झुमके खरीदेंगे देख, ये देख, इसमें मुझे हाथ नहीं लगाना है। चल हैं ना, दच्चू को यहाँ घूस खरीद रहे हैं इसके लिए, क्योंकि नाक कान जो छिदवा दिया है। कैसी लग रही है दच्चू? तो दच्चू के लिए यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि दच्चू को भैया हम सोच रहे कहीं दर्द ना हो, तो दक्षु यार अपने मनपसंद सामान खरीद रही है आज। तुम क्या पहनोगे फिर? एक मेरे लिए, एक पापा के लिए, एक मेरे लिए ले ले और थ्री हो जाएंगे ना। वो तीन तीन ले ले रही है, देख रहे हो? जय कलर ले ना दच्चो, ये किस किस के लिए ले रही है? तभी थ्री ले लिए, लगाएंगे कैसे? लगा के तो दिखा दी, मैं तो नहीं लगा पाऊंगी। कौन सा, ये वाला चाहिए? कितने का देख तो? एक चीज ले सकती है बस, तो अभी शाम के बज गए हैं 6:15 और 6:15 में हम घर, मतलब 6 बजे पहुंच गए हैं, अभी 15 मिनट हो गया है। तो जैसे कि आज हम कोई किसी मतलब कोई ज़रूरी काम नहीं था बाजार जाने का, मतलब कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी हम गए बाजार। पंखा बंद कर देती हूँ, आवाज़ नहीं जा रही होगी आपकी वहाँ पर। आज मेन मकसद था बाजार जाने का, मेन मकसद था आज बाजार जाने का। और आज ये लड़की बाजार में मेला दिखा, एक बड़ा सा जो गोल गोल नहीं होता क्या, जिसमें लोग बैठते हैं फिर वो गोल गोल घूमता है। अरे मेन काम तो बता, पता है इधर आओ पास में आओ। और मेन काम है ये कान नाक कान छिदवाना, एक भी दर्द नहीं हुआ मुझे। एक पहले क्या बताऊं ना इसको, बस खाली आंसू निकले, रुआ नहीं। कैसे? मैं नाक कान आसानी से छिट गए, बस खाली आंसू निकले, रोई तो नहीं मैं, बस बताऊँ आंसू निकल गए, बस आंसू ही निकले। तो पता है जो जो सोनार के वहाँ पे इसके कान छिदाए थे, नाक छिदाए थे, वो बोल रहे थे ये पहला बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं रोया है, मतलब बिना रो के। नहीं तो बच्चे तो ऐसे होते हैं, उसकी मम्मी पापा होती है, उनके हाथ पैर सारे पकड़ने पड़ते हैं, पर ये पहला बच्चा है ये बिल्कुल भी नहीं रोई, मुझे भी इसे नहीं पकड़ना पड़ा। मैं ज़्यादा सूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कोई था ही नहीं, मैं अकेली थी, मतलब कैमरा मैन नहीं था, दक्षु के पापा कहीं चले गए थे तो मैं ही थी। अब इसको ही मुझे ही देखना था तो मैं फ़ोन कैसे मतलब वीडियो नहीं बना पाई, ये तो मैं आपको दिखाती। ये बिल्कुल भी नहीं रोई, बस लास्ट में नाक में तो ये बिल्कुल नहीं रोई, एक कान छिदा, फिर अब दूसरा हुआ तो थोड़ा सा दर्द हुआ हुआ तो थोड़ा आंसू आए, फिर बिल्कुल नहीं रोई। तो वो बोल रहे थे पहला बच्चा ये है कि ये बिल्कुल भी नहीं रोया है, नहीं तो बच्चे तो ऐसे करते हैं कि जैसे क्या हो गया हो। पर इसको इतनी शौक लगी हुई थी ना, इतनी शौक, तो देखा तो ये नाक कान में ये छोटी सी डाल दी है लौंग, और नोजी में दिखा दो। क्यों अरे हाथ नहीं लगाऊंगी तो दिखा तो दो, और ये नोजी में
छुट्टी सी डाल दी है, तो आप ये छिदवा लिए। अच्छा कैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है? नहीं अभी नहीं हो रहा, वहाँ पर हुआ था। अच्छा लगता है। तो वहाँ पे कैसे कर रही थी, मतलब दर्द हो रहा था तो कैसे कर लिया था? अच्छा नहीं हो रहा, दर्द हो रहा था, हो रही दिया मैंने। हाँ पर हो ही नहीं ना। हाँ और जब पता है मेरे नाक कान छिदे थे ना दच्छू, तो मेरी मम्मी ने तो मुझे ऐसे हाथ पैर मेरे ऐसे पकड़ लिए थे ना, तब जाके मेरे नाक कान, दो तीन लोगों ने मुझे पकड़ा तब जाके छिदवा पाई मैं। तू तो बहुत स्ट्रांग है भाई, तू बहुत स्ट्रांग है। मैं तो मैं ऐसे स्टॉप होना सीखा है और ऐसे बिल्कुल स्टॉप होना सीखा है, तभी मैंने ये सब कर पाई। इनकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली। कैसे मतलब स्टॉप होना, ऐसे मतलब अपने आप को टाइट करना ऐसे होगी ऐसे अपना मुंह कभी बंद कर लिया ऐसे ऐसे मुंह। तो जिसको भी छिदवाना हो, तो दच्छू बता रही है कि जिसको भी छिदवाना हो तो बिल्कुल अपने आप को टाइट रख लो और मुंह बिल्कुल बंद रखो, बिल्कुल अपने आप को टाइट रखो और मुंह अपना कति बंद कर लो और जितना भी दर्द हो सिर्फ आंसू निकाल, अपना मुंह कभी खोला मत ऐसे रहना, आंसू निकलने देना। समझ कैसे बच्चों कैसे छिदवाना है? अरे बताया तो यार मतलब दूसरों को एडवाइस देना है ना, तो दूसरे लोग जब छिदवाएंगे तो मतलब कैसे करना है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि ऐसे करते हैं तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, कैसे करना है बताओ। हाँ ये अब तुझे भी ये आइडिया पहले बताना होता जब मुझे याद होता। हाँ यार मुझे भूल गई, 4 साल की होती तो मैं ऐसे कर दस कर दे ऐसे हो जा ऐसे हो जाओ भी खड़े ऐसे। हाँ ऐसे करती है। अच्छा दच्छू बोला समझ गया ना, जिसको बच्चे को छिदवाना हो तो बिल्कुल टाइट रखना है और कैसे बिल्कुल मुंह बंद रखना है। हाँ और बस मुंह कभी खोला नहीं है, जितने रो दोगे बस मुंह बंद रख रहे, आंसू निकलना है तो निकल ले दो, बस आंसू निकल ले दो। अच्छा फिर छिटेंगे आराम से, एकदम मुंह बंद करे रहना ओके, मुंह बंद रखना ओके और आंसू निकलने तो निकलने दो ना, बस स्ट्रांग बने रहो है ना, स्ट्रांग बने रही रहो स्ट्रांग बन जाओ। तो दच्छू की थी यही कहानी, तो फाइनली इसके नाक कान छिद गए हैं। जिद कल क्या एक महीना हो गया था जिद करे बैठी थी कि मुझे नाक कान छिदवाने, तो और ज़्यादा शॉपिंग हमने नहीं करी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और दच्छू भी थी, उसके फिर बाद में नाक कान दर्द होने लग गए थे, तो इस वजह से फिर हम जल्दी घर आ गए थे। तो अभी फिलहाल मुझे खाना बनाना है और सारे घर पे सारा कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, तो अब देखते हैं क्या करते हैं और ज़्यादा कुछ लेके आए तो आपको क्या ही दिखाऊं। मैं दक्षू के लिए थोड़ा टॉप वॉप खरीदा था और दक्षू के लिए पर्स भी लेके आए थे, दक्षू के लिए ही लाया और कुछ नहीं लाया, तो अभी मैं थोड़ा खाना ना बना लेती हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए दक्षू नमस्ते। नमस्ते जी। राधे राधे। राधे राधे।